من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. صدق الله العظيم. सूरह काफ की आयत नंबर 11 तक हम पढ़ चुके हैं, आज आयत नंबर 12 से दर्स हो रहा है। इससे पहले की आयत में हम ये पढ़ कर आए हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का वालों के सामने अल्लाह की वहदानियत और तौहीद को बयान किया और उसके साथ ही बास बादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने की बात बयान की, तो इस पर लोग मुखालिफ हो गए और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इनकार किया। इस पर ताज्जुब करने लगे कि एक इंसान कैसे पैगंबर हो सकता है जो हम ही में से है, और फिर वो पैगंबर हो जाए, ये कैसे हो सकता है। और उसके साथ ही बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने को भी बईद समझने लगे और इसका भी उन्होंने इनकार कर दिया। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर दलाइल बयान किए कि अल्लाह कादिर मुतलक है, उसने आसमानों को पैदा किया, उसने ज़मीन को पैदा किया, ज़मीन में पहाड़ों को रखा और फिर ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के नबातात को उसने उगाया। वो आसमान से बारिश बरसाता है और फिर उसके ज़रिया से बंजर और मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। आखिर में फरमाया कज़ालिक अल-खुरूज, कि इसी तरीके से सबको निकलना होगा, इसी तरह दोबारा अल्लाह ताला सब को ज़िंदा करेगा। जिस तरह मुर्दा ज़मीन को वो ज़िंदा कर देता है, इसी तरीके से क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला सारे इंसानों को ज़िंदा करेगा। ये बात बताई। उसके बाद अब आगे की आयात में अल्लाह तबारक व ताला रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर आपको ये झुठला रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। आपसे पहले जितने पैगंबर आए हैं उनको भी झुठलाया गया, लिहाजा आप पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तारीख को उठाकर देखें तो आपको ये नज़र आएगा, हर कौम ने अपने नबी को झुठलाया है। और जब हर कौम ने अपने नबी को झुठलाया है तो आपको ये झुठला रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ये आपके जो दुश्मन हैं, जिस तरीके से पहली कौमें जिन्होंने झुठलाया उन पर अल्लाह का आज़ाब आया, इनके ऊपर भी आज़ाब आ सकता है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान न हों। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिं व अस्हाबुर रस व समूद। कज़्ज़बत, झुठलाया, क़ब्लहुम, इनसे पहले, क़ौम नूहिं, कौम नूह ने, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दावत देते रहे अपनी कौम को कि या कौम इबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, कि मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। 950 साल की मेहनत के बावजूद 100 से भी कम लोगों ने ईमान कबूल किया, सिर्फ 80 लोग या कितने लोग थे जिन्होंने ईमान कबूल किया, बाकी लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया। वो झुठलाते रहे और सिर्फ झुठलाते ही नहीं थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखते अपने कानों के अंदर उंगलियां जो है वो डाल लेते, इसी तरीके से अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेते, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत को देखना भी गवारा नहीं करते, इस तरीके से मुखालफत करते थे। उसके बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहे 950 साल तक। वह अस्हाबुर रस्सी, और झुठलाया रस वालों ने, रस के माना आते हैं कच्चा कुआं, यानी ऐसा कुआं जिसको ईंट पत्थर वगैरह से पक्का ना किया गया हो, कुआं खोद के छोड़ दिया गया हो, कच्चा कुआं। ये कौन लोग हैं, इनकी ज़्यादा तफसील नहीं मिलती है। तफसीर मालिमुत तंजील के अंदर अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके मुतालिक लिखा है कि ये हज़रामौत का एक इलाका था, एक शहर था हासूरा नाम का, वहाँ के कुछ बाशिंदे थे और उनकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत हंजला बिन सफवान अलैहि सलातु वसलाम को नबी बनाकर भेजा, मबऊस किया। हज़रत हंजला बिन सफवान अलैहि सलातु वसलाम ने आकर इनको दावत दी, अल्लाह की वहदानियत और तौहीद की तरफ बुलाया, लेकिन लोगों ने बात नहीं मानी।
सिर्फ एक हबशी गुलाम उन पर ईमान लाया, बाकी कोई ईमान नहीं लाया। एक लंबे अरसे तक अल्लाह का पैगंबर उनको समझाता रहा, दावत देता रहा। कौम के लोगों ने जब देखा कि ये बार बार हमें आकर बता रहे हैं एक अल्लाह की इबादत करो, बुत परस्ती को छोड़ दो, तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि इनको रास्ते से हटाया जाए, इस रोड़े को हटाया जाए जो हमें अच्छे तरीके से हमारे माबूदों की इबादत नहीं करने देता है। तो उन्होंने हजरत हंजला बिन सफवान अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया और उसके बाद उस कुएं के अंदर, जो उनका वो कच्चा कुआं था, उस कुएं के अंदर उनको डाल दिया, और डालने के बाद ऊपर से ऊपर एक बड़ी चट्टान जो है वो रख दी जिसको कोई उठा भी नहीं सकता था। उसके बाद वो हबशी गुलाम रोज़ाना आता और आकर पैगंबर का हाल मालूम करता और कुछ खाना वगैरह उनको देता। तो इसी तरीके से कुछ अरसे तक वो कुएं के अंदर बंद रहे। एक दिन वो हबशी गुलाम ये कहने लगा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी किसी कुएं के अंदर कूद जाता हूँ, छलांग लगा दूंगा। उन्होंने फरमाया कि मैं कूदा नहीं हूँ, मैंने छलांग नहीं लगाई है, बल्कि मुझे तो डाला गया है, तो तुम छलांग कैसे लगाओगे? छलांग लगाने का मतलब है खुदकुशी करना, खुदकुशी करना हराम है, लिहाजा तुम ऐसा न करो। उसके बाद फिर उस शहर के मर्द और औरत सारे इकट्ठे होकर आए नाचते हुए, और आकर उन्होंने हजरत हंजला बिन सफवान अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, या हंजला कैफ अंता, हंजला आप कैसे हो? उन्होंने आगे से जवाब दिया, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, क्या मेरी कौम के लोगों अभी भी मेरा वही पैगाम है कि इबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो कौम के लोगों ने फिर उस कुएं का वो पत्थर हटा कर ऊपर से मिट्टी और पत्थर डाल के उनको वैसे ही जिंदा ही वहाँ पर दफन कर दिया। इस तरीके से ये तफसील मिलती है तफसीर मालिमुत तंजील के अंदर। उसके बाद फिर वो नाचने लगे तो उसी हालत में अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोई आज़ाब नाजिल कर दिया। व समूद, और कौम समूद ने भी झुटलाया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ पैगंबर बनाकर मबऊस किया। कौम समूद को वो एक लंबे अरसे तक समझाते रहे, कौम समूद ने नहीं माना। उस पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक आज़ाब आया, चीख का आज़ाब अल्लाह ताला ने इनके ऊपर भेजा। फरिश्ते ने एक ज़ोरदार चीख मारी जिससे इनके दिल इनके सीनों के अंदर फट गए और फिर ये ऊंधे मुँह अपने घरों के अंदर गिरे हुए थे। वादुन, और कौम आद ने भी झुटलाया। कौम आद, इनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर मबऊस किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लंबे अरसे तक इनको समझाते रहे और इन पर आज़ाब आने का तस्करा हम पीछे सूरह अहकाफ के अंदर भी पढ़ कर आए हैं कि इनके ऊपर अल्लाह ताला ने हवा का आज़ाब मुसल्लत किया था। सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, अल्लाह ताला ने हवा को इनके ऊपर मुसख़र कर दिया जो 7 रातों तक और 8 दिनों तक मुसलसल चलती रही और इनको उठाकर ऊपर ले जाती थी, ऊपर से नीचे पटक के इनको मारा जाता था। कअन्नहुम आजाज़ नखलिन खाविया, ऐसा लगता था जैसे खजूर के खोखले तने पड़े हुए हैं। लंबे लंबे इनके जिस्म थे, बड़े जिस्म जुस्सा वाले थे, बड़ी ताकतवर कौम थी। लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, अल्लाह ने फरमाया इनकी तरह और पैदा ही नहीं किए गए। लेकिन जब अल्लाह का आज़ाब आया ये मुकाबला नहीं कर सके। व फिरऔन, और फिरऔन ने झुटलाया, उस पर भी अल्लाह ने आज़ाब को मुसल्लत किया कि उसको और उसके लाओ लश्कर को सबको बहर कुलजुम के अंदर अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। व इख़वान लूत, और लूत अलैहिस्सलाम के भाइयों ने झुटलाया। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरह अपनी कौम को समझाते रहे, एक लंबे अरसे तक उनको बताते रहे कि जो काम तुम कर रहे हो बेहयाई का, ये ठीक नहीं है, ये तुम अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हो। कौम के लोगों ने नहीं माना। फिर अल्लाह की तरफ से आज़ाब आया और अल्लाह ने ऐसा आज़ाब मुसल्लत किया, फरिश्ता आया और उसने इनकी बस्ती को उठाया आसमान तक ऊपर ले गया, वहाँ से उलट दिया इनकी बस्ती को नीचे ये, उसके बाद ऊपर से उनकी बस्ती और फिर पत्थरों की बारिश इनके ऊपर बरसाई गई। वह असहाबुल ऐका, और ऐका वालों ने भी पैगम्बरों को झुटलाया। ऐका वाले, ऐका जंगल वाले, इससे मुराद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, मदियन वाले।
हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, ये कौम नाप तोल के अंदर कमी करती थी, बुत परस्ती के अंदर भी मुबतला थी, उसके साथ साथ नाप तोल के अंदर कमी किया करती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया, लंबे अरसे तक समझाते रहे, इन्होंने बात नहीं मानी। उसके बाद अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अज़ाब भेजा। पहले तो सख्त गर्मी हुई, इतनी गर्मी हुई कि कहीं भी इनको चैन और सुकून नहीं आने लगा। फिर बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ, ये इस दो आदमी उस बादल के टुकड़े के नीचे आ गए तो वहाँ इनको कुछ ठंडक सी महसूस हुई। दूसरे लोगों को उन्होंने आवाज़ दी, सारे लोग आ गए, इकट्ठे हो गए एक मैदान के अंदर। अल्लाह ताला ने उसी बादल में से आग इनके ऊपर बरसा दी और चीख का अजाब भी इनके ऊपर आया, नीचे ज़मीन के अंदर जलजला भी आया। इस तरह ये हलाक कर दिए गए। व कौम तुब्बा, और तुब्बा की कौम, तुब्बा ये यमन के इलाके का बादशाह था और इलाकों पर इलाके फतह करते करते ये मदीना मुनव्वरा तक पहुंचा। मदीना मुनव्वरा का नाम था यसरब और वहां पर भी इसने हमला किया तो मदीना के लोग दिन में मुकाबला करते इसकी फौजों का और रात को इनकी मेहमान नवाजी करते। वहां इसको कामयाबी नहीं मिल रही थी तो फिर ये परेशान था कि मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। किसी यहूदी आलिम ने आकर बताया कि ये मदीना मुनव्वरा नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह है, यहाँ तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। फिर इसने जानना चाहा वो नबी आखिरुज़्ज़मा कौन है। इसने तहकीक की, पुरानी किताबें भी देखी, उलमा से पूछा, उन्होंने पूरा बताया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो ये उसी वक्त ईमान ले आया, तकरीबन आपकी बेसत से 700 साल पहले की बात है। उसी वक्त इसने ईमान लाया और कुछ हदाया हदीये व तोहफे वगैरह तैयार किए और एक यहूदी आलिम के हवाले कर दिए और ये कहा, एक ख़त भी लिखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, जिसका मजमून ये था कि मैं आप पर ईमान लाया हूँ और सिर्फ इसलिए ईमान लाया हूँ कि क़यामत के दिन आप मेरी सिफारिश करेंगे। और फिर कहा, काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आप ऐलान नबूवत करेंगे तो फिर मैं आपका साथ देता। और कुछ अशआर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसने कहे। फिर वो एक यहूदी आलिम के पास इसने रख दिए कि इनको ये आपके पास मेरी तरफ से जो है मेरी अमानत है और आप अपने बाद जो आपका जानशीन होगा उसके हवाले करेंगे, वो अपने जानशीन के हवाले करेंगे। इसी तरीके से करते करते वो सारा हदिया जो उसने तैयार किया था ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो पेश किया। तफसीरों के अंदर ये बात तफसील के साथ बयान की गई है। जब ये मुसलमान हो गया उसके बाद अपनी कौम के पास गया, कौम के लोग इसके मुखालिफ हो गए, फिर उनके ऊपर भी अल्लाह का अजाब आया। किस किस्म का अजाब आया इसकी तफसील नहीं मिलती है। कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला, अल्लाह फरमा रहे हैं कि कुल्लुन हर एक ने कज़्ज़बर रुसुला पैगम्बरों की तकजीब की, यानी जितने भी ये थे कौम नूह, इसी तरीके से रस वाले कच्चे कुएँ वाले, कौम समूद, कौम आद, फिरऔन और कौम लूत, और इसी तरीके से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम मदीन वाले और कौम तुब्बा, इन सब ने रसूलों की पैगम्बरों की तकजीब की। जब तकजीब की फ़हक का वईद, तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनके ऊपर मेरी वईद साबित हो गई, यानी मेरा अजाब इनके ऊपर आ गया, जिसकी मुख्तसर तफसील मैंने आपके सामने बयान की। उसके बाद आगे अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि मुशरिकीन इस बात पर ताज्जुब कर रहे हैं कि आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, कि जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी हो जाएंगे फिर दोबारा कैसे हमको ज़िंदा किया जाएगा। ज़ालिका रजउम बईद, ये तो दूर का लौटना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अफा आयीना बिल खल्क़िल अव्वल, तो क्या हम थक गए। अफा तो क्या, आयीना हम थक गए, बिल खल्क़िल अव्वल पहली मरतबा पैदा करने से, कि जो ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा पैदा करने पर कादिर नहीं हूँ, दोबारा हमें कौन ज़िंदा कर सकता है। मैं युहयिल इज़ाम व हिया रमीम, तो क्या हम पहली मर्तबा पैदा करने से थक गए हैं। जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। वहुवल्लज़ी यब्दअुल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि, वही है जिसने पहली मर्तबा पैदा किया वो दोबारा भी तुम्हें लौटाएगा, और दोबारा लौटाना तो आसान है, उसके लिए तो पहली मर्तबा पैदा करना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोबारा पैदा करना तो तुम्हारे एतबार से भी आसान है, कि एक चीज़ को पहली मर्तबा बनाना मुश्किल होता है लेकिन दोबारा बनाना कोई मुश्किल नहीं होता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्या हम पहली मर्तबा पैदा करने से थक गए हैं,
कि हम दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हैं और ये हमको कादिर नहीं समझ रहे हैं और इनकार कर रहे हैं बास बादल मौत का, बल हम फी लबसी मिन खल्किन जदीद, बल्कि हम, असल बात यह है कि ये लोग फी लबसिन, शुबे में पड़े हुए हैं, मिन खल्किन जदीद, नई पैदाइश से, यानी दोबारा पैदा किए जाने के मुतालिक ये शुबे के अंदर पड़े हुए हैं। इनके बड़ों ने इनको मुगालता दिया है और शुबे के अंदर डाल दिया है कि जब हड्डियां गल सड़ जाएंगी, मिट्टी के साथ मिल जाएंगी, रेजा रेजा हो जाएंगी, उसके बाद फिर दोबारा कौन उनको जिंदा करेगा? नहीं, जिसने पहली मरतबा पैदा किया है वो दोबारा भी जिंदा कर सकता है। कुल युहयिहिल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रा, आप फरमा दीजिए वही जात दोबारा जिंदा करेगी जिसने पहली मरतबा पैदा किया था। अब इंसान की पैदाइश का तस्करा किया जा रहा है, वलकद खलकना इंसान, और तहकीक के हमने खलकना, हमने पैदा किया अल इंसान, इंसान को, व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, व नअलमु, और हम जानते हैं, मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, उन बातों को कि जो उसके दिल में आती हैं, उन वसवसों को जो उसके दिल के अंदर आते हैं, उनके उसके दिल के अंदर आने वाले वसवसे, उन वसवसों को भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जानते हैं। अल्लाह हर एक चीज़ को जानता है। पीछे बताया था कि रोज़ाना ज़मीन जिस जिस्म से भी जितने ज़र्रात को तब्दील करती है, मिट्टी की शक्ल देती है, उनको भी हम जानते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ज़िंदगी में जो भी तुम्हारे दिल के अंदर आने वाले वसवसे हैं, उन वसवसों को भी अल्लाह तबारक व ताला जानता है। وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وَنَحْنُ, और हम, أَقْرَبُ إِلَيْهِ, उसके ज़्यादा करीब हैं, مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, उसकी शहे रग से भी ज़्यादा। इंसान की शहे रग यानी वो रग जिस पर इंसान की ज़िंदगी का मदार है कि वो कट जाए तो इंसान ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उस शहे रग से भी ज़्यादा मैं करीब हूँ, अपने इल्म के एतबार से मैं उससे भी ज़्यादा करीब हूँ, तुम्हारी हर हर हालत मेरे इल्म में है, तुम्हारी कोई भी हालत मुझसे पोशीदा नहीं है, तुम्हारी कोई हरकत मुझसे पोशीदा नहीं है, कोई बात मुझसे पोशीदा नहीं है, हर एक हरकत को अल्लाह तबारक व तआला जानता है। उसका इल्म और उसकी नजर और निगाह तो ऐसी है कि काली चींटी हो वो समुंदर की तह में काले पत्थर के नीचे चल रही हो तो उसके चलने की आवाज को भी वो सुनता है, और उसकी टांगों की जो हरकत है उस हरकत को भी वो देख रहा है, उससे कोई चीज मख्फी और पोशीदा नहीं है। इذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, पहली बात तो ये है कि उसको तुम्हारे सारे अहवाल मालूम है, तुम्हारी कोई हालत अल्लाह से पोशीदा और छुपी हुई नहीं है। उसके बाद अल्लाह फरमा रहे हैं कि ज़ाब्ते और कानून के एतबार से मैंने तुम पर निगरान और मुहाफिज बिठाए हुए हैं, जो तुम्हारी हर हरकत को, तुम्हारे हर कौल और फेल को लिख रहे हैं और तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान, जब दो अख्ज करने वाले अख्ज करते हैं, इदियतलक्कल, जब लेते हैं, अल मुतलक्कियानी, दो लेने वाले, या अख्ज कर, जब अख्ज करते हैं दो अख्ज करने वाले, अनिल यमीन व अनिल शिमाल क़ईद, जो दाएं और बाएं जानी बैठे हुए हैं, यानी दाएं कंधे पर और बाएं कंधे पर बैठे हुए हैं, किरामन कातिबीन, मुअज्जज लिखने वाले फरिश्ते, एक दाएं कंधे पर है, एक बाएं कंधे पर है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें नजर नहीं आते हैं, लेकिन मैंने तुम पर इन निगरानों को मुकर्रर किया हुआ है, जो तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं और तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं, दिन के अलग हैं, रात के अलग हैं, दो फरिश्ते दिन में ड्यूटी देते हैं, दो फरिश्ते रात में ड्यूटी देते हैं, सुबह फजर की नमाज पर ड्यूटी चेंज होती है, इसी तरीके से असर की नमाज पर ड्यूटियां चेंज होती हैं, और वो तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, एक दाएं कंधे पर, एक बाएं कंधे पर। दाएं कंधे वाला, हदीस में तफसील है कि वो नेकियां लिखता है, और बाएं कंधे वाला वो इंसान के गुनाहों को लिखता है। दाएं कंधे वाला फौरन जैसे ही आदमी नेकी करने का इरादा करता है, अभी नेकी की नहीं होती है, खाली इरादा किया है, उसी वक्त एक नेकी उसके हक में लिख दी जाती है, फिर जब वो अमल कर लेता है जो नेकी का काम था, तो उसके बाद वो काम भी लिखा जाता है, और अगर करता है एक नेकी तो दस के बराबर अल्लाह ताला उसको उस पर सवाब अता करते हैं। और जब आदमी बुराई का इरादा करता है, अभी ये दाएं कंधे वाला बाएं कंधे वाले को कहता है अभी रुक जा, अभी नहीं लिखना, तो बुराई का खाली इरादा करे, नहीं लिखा जाता है।
उसके बाद जब वो बुरा काम कर लेता है, कोई गुनाह का काम कर लेता है, तब भी दाएं कंधे वाला कहता है अभी नहीं लिखना, शायद ये तौबा कर ले। अगर आदमी तौबा कर लेता है फिर वो लिखा नहीं जाता है, और अगर तौबा नहीं करता है फिर वो उसका गुनाह लिख लिया जाता है और उसका रिकॉर्ड तैयार होता है। इसलिए कहीं पर भी आदमी से कोई गुनाह सरजद हो जाए फौरन वहीं पर उसको तौबा कर लेनी चाहिए। ये ज़मीन जो है ये भी हमारा रिकॉर्ड तैयार कर रही है, अगर किसी जगह हमसे गुनाह सरजद हो जाता है ज़मीन का वो हिस्सा क़यामत के दिन गवाही देगा, लेकिन अगर वहीं पर हमने तौबा कर ली तो जहाँ वो हमारे खिलाफ गवाही देगा वहीं ज़मीन का वो हिस्सा हमारे हक़ में भी गवाही देगा कि यहाँ इसने तौबा कर ली थी, लिहाजा इसका गुनाह मिटा दिया गया है। तो इसलिए आदमी को तौबा करते रहना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। इद यतलक्कल मुतलक्कियान, जिस वक्त के दो अख्ज़ करने वाले अख्ज़ करते हैं, अनिल यमीनी दाएं जानिब, वानिश शिमाली और बाएं जानिब कईदुन बैठे हुए हैं, यानी एक दाएं कंधे पर बैठा है एक बाएं कंधे पर बैठा है और दोनों इसका रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, मा यल्फिज़ु ये नहीं निकालता है मिन कौलिन कोई भी बात, यानी मुंह से कोई भी बात नहीं निकालता है, इल्ला लदैही मगर उसके पास रकीबुन अतीदुन एक निगरह तैयार रहता है। रकीबुन निगरह, अतीदुन तैयार, एक तैयार निगरह होता है कि जो फौरन उसने जो कुछ किया है उसको लिख लेता है, गोया घात के अंदर लगा रहता है फरिश्ता, जो आदमी ज़ुबान से निकालता है उसको लिख लिया जाता है। इससे मालूम हुआ जितने भी अकवाल ज़ुबान से वो कहता है वो सारी बातें लिख ली जाती हैं। और सूरह इन्फितार के अंदर है कि यअलमून मा तफ़अलून किरामन कातिबीन व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, यअलमून मा तफ़अलून कि तुम पर मुहाफिज़ फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं, किरामन कातिबीन व मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं, यअलमून मा तफ़अलून जो तुम करते हो जानते हैं। उससे मालूम हुआ कि अमल कोई आदमी करता है वो अमल भी लिख लिया जाता है, तो कौल भी लिखा जाता है फेल भी लिखा जाता है, और ये सिलसिला बराबर जारी रहता है। ये सिलसिला बराबर कब तक, जब तक आदमी जिंदा है, यहाँ तक के वह जाअत सकरतुल मौत बिल हक, यहाँ तक के जाअत आ जाती है सकरतुल मौत, मौत की बेहोशी, बिल हक़ी हक के साथ सच्चाई के साथ, यानी मौत की बेहोशी आ जाती है, सकरात मौत का वक्त आ जाता है, और उस वक्त फरिश्ते उससे कहते हैं ज़ालिका ये वो चीज़ है, मा कुंत मिन्हु तहीद जिससे तू भागा करता था, जिससे तू भागता था ये वो चीज़ है, यानी मौत का नाम सुनना तो पसंद नहीं करता था, अब ये तुझे मौत आ गई है। और उसके बाद फिर आगे आलम बरज़ख़ शुरू हो जाता है, आलम बरज़ख़ में आदमी रहता है, और फिर एक वक्त आएगा कि आलम आखरत की तरफ इसको मुंतकिल किया जाएगा, आलम बरज़ख़ से दुनिया से आलम बरज़ख़ की तरफ मुंतकिल किया जाता है मौत के आने पर। उसके बाद फिर आलम बरज़ख़ से एक दिन ऐसा होगा इस पूरी दुनिया को पूरी कायनात को मौत आ जाएगी, वनुफ़िख़ा फिस्सूर और सूर के अंदर फूंका जाएगा, ज़ालिका यौमुल वईद ये होगा वईद का दिन, जो अल्लाह ने वादा किया ये वादे का दिन होगा, वादा पूरा हो जाएगा, पूरी कायनात को मौत आ जाएगी सिवाय अल्लाह की ज़ात के, बाकी सब के सफना हो जाएंगे, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, जो कुछ इस ज़मीन पर है आसमान पर जो कुछ है सब का सफना हो जाएगा, कुल्लु शैन हालिकुन सब हलाक हो जाएंगे, इल्ला वजहु सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी और कोई बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा जब सूर के अंदर फूंका जाएगा अपनी कब्रों से निकलकर मैदान महशर के अंदर सब के सब हाजिर हो जाएंगे, फिर अल्लाह के सामने पेशी होगी, और जब अल्लाह के सामने पेशी होगी तो किस अंदाज से पेशी होगी, क्या मंजर होगा, उस मंजर को अल्लाह ताला ने आगे बयान किया है, इंशाअल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अपनी किताब की समझ और फहम अता फरमाए, अल्लाह हमें अमाल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे अमाल से अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, वहाँ की नाकामी ज़िल्लत और रुसवाई से अल्लाह ताला हमारी हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।